पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में खेलेगा कमल। उम्मीदवारों ने स्क्रीनिंग कमेटी में प्रतिभाग किया, अंतिम निर्णय प्रदेश कमेटी लेगी। भाई भतीजावाद पार्टी ने समाप्त किया है, हम तटस्थ हैं, उसी एजेंडे पर चलते हैं जो पार्टी में जिताऊ उम्मीदवार है। पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जुझारू हैं, वही मैदान में होगा। असीम अनुकंपा है, राम की राम के द्रोहियों का यही हश्र होगा। आरएलडी पर मंत्री की जुबानी जंग, कमल खिलेगा पूरे प्रदेश में, मैनपुरी में। क्या आपकी बार जो उम्मीदवार मैदान में है, परिवार तंत्र चलेगा, या जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक संगठन, एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए थे, उसी हिसाब से नगर की जो राजा या लोकतंत्र के राजा कहे जाएंगे वो आएंगे? निश्चित रूप से भाई भतीजावाद को ख़त्म करने का काम पार्टी ने किया है, उसी पद्धति पे आज भी कायम है पार्टी, और निर्णय कार्यकर्ताओं के हक में आएगा, निर्णय जो गंभीर प्रत्याशी होंगे, जिताऊ प्रत्याशी होंगे, उनके हक में आएगा। आज बैठक के दौरान क्या रहा, आपने स्क्रीनिंग करके हम लोगों ने क्षेत्रीय कमेटी के लिए यहाँ सब लोगों ने मिल बैठ के सर्वसम्मति से नाम प्रस्तावित किए हैं। अब जो स्क्रीनिंग कमेटी आगरा क्षेत्रीय कार्यालय पर उसका मंथन करेगी, वो अंतिम रूप से प्रदेश पे इसका निर्णय आएगा, जैसा भी निर्णय आएगा। मंत्री जी, आपने तो बिना लड़े ही नल को तो धड़ाम कर दिया है, नल को अपना चिन्ह भी बचाना मुश्किल पड़ गया, आपस में ही अब वो सोच रहे हैं कैसे पश्चिम में किस तरीके से विजयरथ निकलेगा, क्या कहेंगे? असीम अनुकंपा है ऊपर वाले की, राम के द्रोहियों का यही होगा सब। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, सीटी स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध, OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।